नमस्कार दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिलिया और फ्लैजला में डिफरेंस आपको बताएंगे और आप वीडियो अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप करके मत जाइएगा। और वीडियो समझ में आता है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपका स्टार्ट करते हैं। सिलिया और शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सिलिया छोटा होता है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और फ्लैजला आर लॉन्ग व्हिप लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैजला जो होता है बड़ा होता है और व्हिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे जो घोड़े का चामुक होता है उस तरीके से होता है। सिलिया अराउंड 5 से 10 माइक्रोमीटर लेंथ होता है, मतलब सिलिया का लेंथ जो होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। जो फ्लैजला होता है लगभग 150 माइक्रोमीटर होता है। इनकोऑर्डिनेशन, जो सिलिया होता है सामान्य रूप से मतलब सामान्य रहता है और इंडिपेंडेंट, जो ये फ्लैजला होता है स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंटली होता है। मतलब ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, जो सिलिया होता है ये ओनली केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और फ्लैजला की बात करें तो फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। और इसकी मोशन की बात करें सिलिया की, तो रोटेशनल लाइक अ मोटर वेरी फास्ट मूविंग, ये बहुत तेज़ी से मूव करता है और मोटर लाइक मतलब मोशन करता है। और ये जो फ्लैजला होता है वेव लाइक अंडुलेटिंग स्लो मूवमेंट कंपेयर टू सिलिया, ये बहुत स्लो मूवमेंट करता है सिलिया की अपेक्षा, और वे तरंग जैसे चलती हैं वैसे मूवमेंट करता है। और सिलियम देखते हैं, जो नेक्सिन होता है नेक्सिन आर्म जो होता है ये प्रेजेंट होता है, और जो फ्लैजला होता है नेक्सिन आर्म इसमें एब्सेंट होता है। और फिर सिलियम देखते हैं, फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ बॉडी ट्यूबल्स, जो सिलिया होता है वो बैक्टीरिया के बॉडी ट्यूबल्स होते हैं वहाँ उसमें पाया जाता है। और जो फ्लैजला होता है फाउंड इन द मोस्ट बैक्टीरिया आर के एंड यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक और आर के बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। इन्वॉल्व इन प्रोसेस लाइक लोकोमोशन फीडिंग एंड सर्कुलेशन, जो सिलिया होता है ये प्रोसेस में होता है लोकोमोशन में और फीडिंग में काम करता है और सर्कुलेशन में। जो फ्लैजला होता है ये केवल लोकोमोशन में काम करता है। और देखिए फ्लैजला और सिलियम देख लीजिए इनका स्ट्रक्चर, ये जो है फ्लैजला का स्ट्रक्चर है और जो है सिलिया का स्ट्रक्चर, जो इसके मतलब बॉडी के सर्फेस पर जो भी है ये सारे सिलिया हैं, ये जो है यहाँ से निकला हुआ है ये फ्लैजला है। ये फ्लैजला जो होता है सेल मेम्ब्रेन से होकर के एक्सटर्नल पार्ट जैसे आउटर सेल से बाहर भी होता है, और सिलिया जो होता है इसके बॉडी सरफेस से निकला होता है, ट्यूबुल्स जो होते हैं वहाँ से निकला होता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन थैंक यू।